डाक कर्मचारी द्वारा लेबर कार्ड को समाप्त करने, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति को लागू करने, विभाग का निजीकरण नहीं करने, ग्रामीण डाक सेवकों का विभागीयकरण करने जैसे जायज मांगों को अनदेखा करने और सरकार की ढुलमुल नीति और कोई ठोस निर्णय व आश्वासन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है और परिणाम स्वरूप नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ग्रुप सी एवं ग्रुप डी, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, अखिल भारतीय डाक एवं आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल एवं प्रमंडल कार्यालय हजारीबाग में धरना का आयोजन किया गया। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। हम लोग की मुख्य मांगे निजीकरण के सरकार के जो रवैया चल रहा है उसके खिलाफ है। सरकार का तानाशाही रवैया हम लोग के खिलाफ है, इसके खिलाफ में हम लोग हैं। एनपीएस की जो सरकार जो हम लोग के लिए बहाल देने की व्यवस्था जो की है वह हम लोग के बिल्कुल ही वो जो है सो और गरीब बनाने वाला है, उसको बंद करे सरकार और उसके जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं वे बंधुआ मजदूर की तरह आज सारी 70 वर्षों से वे चल रहे हैं, उसी तरह से कोई तरह से वो जिंदा है मात्र, उसको विभागीकरण करने की बात है। 18 महीने का एरियर डीए जो हम लोग को बचा हुआ है सरकार रोके हुए है वो हम लोग को नहीं मिला है जिसको कि वो हमें दे। 8वां वेतन आयोग जो सरकार का मंशा है कि वो हम लोग को नहीं अब बैठाने की बात सरकार करने जा रही है, जो वो बहाल कर 8वें वेतन आयोग। और इस तरह से और भी हम लोग की बहुत सी मांगे हैं जो जिसके सपोर्ट में आज हम हड़ताल का ये पहला दिन है, ये बहुत सफल रहा। पूरे हजारीबाग के सभी जितने भी डाकघर हैं सभी पूर्ण बंदी हैं, कोई भी डाकघर खुला हुआ नहीं, कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं, सभी के सभी 100% हड़ताल पर हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्मल मिस्त्री हुआ। हम ये बोलिए निर्मल मिस्त्री, हम पेंशनर्स यूनियन के यहाँ के सचिव हैं और हम इस हड़ताल के समर्थन में यहाँ पर हम भी धरने पर बैठे हुए हैं।